मुंबई देश की आर्थिक राजधानी होने के साथ साथ महाराष्ट्र की भी राजधानी है। इस शहर को देश का इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल हब माना जाता है। मुंबई भारत का दिल तो है, लेकिन ट्रैफिक की समस्या इसकी धड़कनें कम कर रहा है। यहाँ पर जीवन की रफ्तार तो तेज है, लेकिन सड़कें रेंग रही हैं। इन सड़कों को रफ्तार देने के लिए यहाँ पर एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है, जिसके थ्रू आप बोरीवली से थाने कुछ ही मिनटों में पहुँच सकेंगे। चलिए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस के बारे में। दोस्तों, वर्तमान में थाने और बोरीवली के बीच कोई सीधा रोड नहीं है, इसलिए बोरीवली और उसके आसपास के लोगों को थाने जाना हो या थाने और उसके आसपास के लोगों को बोरीवली आना हो, तो उनके लिए चुनौतीपूर्ण और पीक आवर्स में हाई ट्रैफिक से भरा सफर होता है, क्योंकि वेस्टर्न साइड एंड ईस्टर्न साइड के बीच में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का सबसे बड़ा हिस्सा पड़ता है, इसलिए इन शहरों के बीच कोई सीधा रास्ता नहीं है। वर्तमान में यहां के लोगों को बोरीवली से थाने बाई रोड जाना हो तो सिर्फ दो रोड्स मौजूद हैं। पहला रोड दहिसर मीरा भयंदर से गोड़बंदर रोड के जरिए 23 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करके आप थाने पहुंचेंगे। इसके ट्रेवल में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। दूसरा रोड JVLR पवाई रोड से ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के जरिए 30 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करके आप थाने पहुंचेंगे। इसके ट्रेवल में भी आपको 1 से 1.5 घंटे व पीक आवर्स में 2 से 2.5 घंटे का समय लग सकता है। इन दोनों रोड्स के थ्रू डेली बोरीवली टू थाने 25,000 से ज्यादा व्हीकल्स का मूवमेंट होता है। इस ट्रैफिक को कम करने और यात्रा को सुगम बनाने के लिए MMRDA के द्वारा बोरीवली टू थाने ट्विन टनल बनाई जा रही है, जो इंडिया की लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट अर्बन टनल होगी। इस टनल की टोटल लेंथ 11.8 किलोमीटर जिसमें 10.25 किलोमीटर की टनल अंडरग्राउंड होगी, जो बोरीवली के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे से गुजरेगी। 1.5 किलोमीटर का अप्रोच रोड दोनों छोरों पर बनेगा। टनल का 5.7 किलोमीटर का हिस्सा बोरीवली जिले में और 6.9 किलोमीटर का हिस्सा थाने जिले में बनेगा। ये ट्विन टनल स्टार्ट होती है थाने के तिकुंजनी वड़ी से और एंड होती है बोरीवली के मग थाने के पास। इस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हैं, जिनके द्वारा इसके कंस्ट्रक्शन को टोटल 2 सिविल वर्क पैकेजेस में बांटा गया है। ये प्रोजेक्ट चैलेंजेस से भरा हुआ है, क्योंकि इसे उद्यान के नीचे से बनाना है, इसलिए वन्य जीवों, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु को कोई नुकसान पहुंचाए बिना टनल का निर्माण करना है, जिसके लिए MMRDA ने 46.57 हेक्टेयर लैंड एक्वायर की है, जिसमें 35.53 हेक्टेयर लैंड गवर्नमेंट फॉरेस्ट की एंड 11.04 हेक्टेयर लैंड नॉन फॉरेस्ट की है। कॉस्टिंग की बात करें तो इसकी कॉस्ट अब 16,600 करोड़ है। स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट की कॉस्ट 11,235 करोड़ थी, बट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिले के कारण इसकी कॉस्ट बढ़ गई। इंडिया की लार्जेस्ट TBM मशीन का यूज करके टनल का डायमीटर 12.2 मीटर का होगा, जो सर्फेस लेवल से 23 मीटर नीचे 4 TBM मशीन की हेल्प से बनाई जाएगी। टनल के फीचर्स एंड फैसिलिटीज की बात करें तो इन ट्विन टनल में टोटल 6 लाइन रोड होगी। प्रत्येक में 3-3 लाइन की रोड होगी, जिसमें 2 लाइन ऑपरेशनल रहेंगी और 1 लाइन इमरजेंसी के समय हर 300 मीटर पर बने क्रॉस पैसेजेस का उपयोग करने के लिए होगी। टनल में एडवांस वेंटिलेशन सिस्टम, फायर एक्सटेंशन, स्मोक डिटेक्टर्स, एडवांस LED साइन बोर्ड्स, एडवांस लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिक सर्विलेंस फैसिलिटी का यूज किया जाएगा। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हर 500 मीटर पर SOS बॉक्स होंगे। टनल में मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होगी। ओवर स्पीडिंग के लिए टनल में स्पीड कैमरास भी इंस्टॉल किए जाएंगे। ये टनल बनने से बोरीवली से थाने तक का ट्रेवल फास्ट एंड स्मूथ हो जाएगा। दोनों शहरों के बीच का सफर 20 से 30 मिनट में पूरा हो सकेगा। इसके यूज से हर साल 1.5 लाख मैट्रिक टन CO2 इमिशन कम होगा। दोस्तों, ट्विन टनल की तरह ही मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन लगभग कम्प्लीट हो रहा है, जिसे आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।